उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र के चक्की मोड़ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष से भी उत्तरायणी सांस्कृतिक समिति द्वारा रामलीला मैदान चक्की मोड़ में उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम स्कूल छात्र छात्राओं ने सुंदर सुंदर लोकगीत एवं विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीनाथ विश्वास, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चंदन नयाल थे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। हमारी पहाड़ी संस्कृति को दर्शाता है, हमारे पहाड़ के लोगों के कल्चर को दिखाता है। और जो आजकल के बच्चे जो बिल्कुल मॉडर्न बच्चे हैं, वो भी जब प्रक्रिया को कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को कर रहे हैं, तो लगता है कि उनको अपनी संस्कृति की याद रहेगी और वो जानेंगे कि हमारी संस्कृति के हमारे पूर्वज कौन कौन से त्यौहार होते थे, कौन कौन से पकवान बनाए जाते थे। जहाँ आजकल पिज्जा बर्गर में बच्चे घुमे हुए रहते हैं, उनको पूछते कि पहलता पता चलेगा कि ये भी एक चीज होती थी। इन चीजों को याद दिलाने के लिए पर्व बहुत महत्वपूर्ण। ये हम लोग का बहुत पौराणिक त्यौहार है, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। ये पता है कि हमारे पहले राजा लोगों के समय से इसे, वैसे तो पूरे देश में कहीं पर किसी नाम से, कहीं ओणम के नाम से, कहीं पोंगल, कहीं पर पूर्व भारत में जो है आसाम इस साइड में इसे बिहू के नाम से, हर क्षेत्र में पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान इस साइड में इसे जो है लोहड़ी के नाम से, और उत्तराखंड उत्तर भारत में इसे उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है, और विशेषकर उत्तराखंड में इसे भुगुतिया त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। इससे पूरे क्षेत्र एक आपसी भाईचारा और सामंजस्य, एक एकता होती है और एकता का संदेश जाता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।